What? ये सब तुमने किया है? इस तरह से किसी को परेशान करना, उसके फोटोज के साथ छेड़खानी करना और ऐसे पोस्ट करना, इट्स अ क्राइम, पता है ना तुम्हें? तुम एक लड़की हो ना गायत्री, खुद एक लड़की होकर एक लड़की के साथ ये किया तुमने, तुम्हें पता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या करती मैं चाहती थी करिश्मा को भी फील हो कि उसकी वजह से मुझे कैसा फील होता है रोज। और क्यों गायत्री, क्यों किया तुमने ये सब? एक तो काली, ऊपर से काला खट्टा खाकर धूप में घूम रही है। करिश्मा को देख, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क है। कुछ देख करिश्मा से, तुझे पता है तेरी शादी में कितने पैसे दहेज देना पड़ेगा? गायत्री और करिश्मा को साथ में खड़ा कर दो, फिर चांद भी दिख जाएगा और काला दाग भी। तू करिश्मा जितनी गोरी जिंदगी में कभी नहीं लग पाएगी। आ गया मुझे गुस्सा और फिर उसकी फोटो को एडिट करके मैंने सबको भेज दी। देख गायत्री, हम समझते हैं तुझे बुरा लगा, तुझे क्या किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन हम सब में करिश्मा की क्या गलती? कितनी गलती हम सबकी है। हम सबकी? हाँ, अरे गोरा होने के लिए हम लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं खुद यहाँ ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हूँ गोरा होने के लिए। बैठे बेटा, फेयरनेस क्रीम से कुछ नहीं होता है। अरे अगर चेहरे पे ग्लो चाहिए, अच्छा दिखना है तो खाओ, अच्छा खाओ बस। हमारे ऊपर लोगों की बातों का इतना असर हो गया है ना कि हमें सिर्फ वही सुनाई देती है। और गायत्री ने लोगों की बातें सुनकर खुद को परेशानी में डाल दिया। और फिर आप तो वही बन गई ना जिससे आपको खुद से नफरत है। मुझे पता है, पर अब क्या करूं, गुस्से में हो गया। आप प्लीज गोविंद संबची से बचाइए ना मुझे, मुझे जेल नहीं जाना। रो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैम प्लीज बचा लीजिए मुझे। हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ, पहले मुंह धो जाके। तुमने क्या किया? कंप्यूटर हमारी सुविधा के लिए होता है, क्राइम के लिए नहीं। पर इसने अपनी गलती मान ली है माद साहब। इसके गलती मान लेने से इसकी गलती की सीरियसनेस कम नहीं हो जाती? सजा तो उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। गायत्री ने कुछ नहीं किया है सर। तुम कौन और अंदर कैसे आ गए? मैं गायत्री का भाई, जो किया मैंने किया। सर प्लीज आप इनकी बात मत सुनिए, सब कुछ मैंने किया है, मेरे भाई है इसलिए वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गायत्री ने कुछ नहीं किया सर। मजाक चल रहा है क्या ये? कभी इसने किया, कभी उसने किया है, किसने किया ये? मैं कह तो रहा हूँ मैंने किया है। चुप करो भैया। चुपी तो था अभी तक मैं, अपने घर पे किसी का मुंह बंद नहीं करा पाया। मुझे लगा कि करिश्मा को देखकर सब हंसना शुरू करेंगे तो रोज रोज वाली कंपैरिजन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। पर अब मुझे बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर लगा रही। बच्चे अगर गलती करें तो पेरेंट्स को तो इसका पता लगना ही चाहिए। श्रवण, मार्ट साहब जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ये क्या कर दिया, नाक कटवा दी तुमने हमारी? बड़ी लंबी नाक है आपकी, बात बात पर कट जाती है। अरे मुझे तो ये जब पैदा हुई ना, इसका रंग देखकर ही मैं समझ गई थी कि एक दिन ये दुख देगी। श्रावण, तूने इसी के लिए सब कुछ किया है ना? दादी जी, उम्र तो आपकी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन माफ कीजिएगा, बात आप बहुत छोटी करती है। सच करती हूँ, काली है, आपको क्यों नहीं दिखता? हाँ नहीं दिखती है। काश आपको भी ना दिखाई देती। अरे इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं रंग के सिवा। आप लोग जो ये बात बात पर इसे ताने मारते हैं, इससे इसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जैसे तैसे अपने कॉन्फिडेंस को ये समेटती होगी कि उसे बाहर वही सारी चीजें फेस करनी है। बात बात में काली है, बात बात में कंपैरिजन, ये लड़की है, जिंदा है, कोई कार नहीं है जो आप रंग देखकर पसंद करेंगे। जो कहा उसके भले के लिए कहा,
बस बहुत हो चुका भला माँ, अब रहने दो। अपनी पोती को नीचा दिखाने में क्या भलाई दादी? क्या मेरी सारी अच्छाई मेरे काले रंग के पीछे ही छिप जाती है? बेटा माफ करने के लिए कहूंगा तो माफ कर दोगी ना? पर श्रवण ने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अरिजीत क्या नाम है भाई? ए वहां क्या गोविंद संपत बन के छोड़ दिया था? बाय द वे माय सेल्फ अदरक, सोचते रहे अदरक नाम तो कुछ भी हो सकता है, देश आजाद है। वैसे आप है कौन? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ भाई। ये बदलीपुर के बेताज बादशाह प्रिंस है, सिर्फ नाम का। कौन ऐसा मुझे ऐसा लगा कोई हटा है। और ये हरजीत है, हरजीत ये सबका दिल जीत लेते हैं। वो तो है, इन्होंने हमारी हेल्प करके हम सबका दिल जीत लिया। मां साहब ने जब कहा ना कि गोविंद संपत जी सब पता लगा लेंगे, मेरी तो एकदम हवाई निकल गई थी सच्ची। और ये गायत्री जी, वो एक्चुअली सारा प्लान किटी का था, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। अरे वो माथ साहब ने उस श्रवण को क्या सजा दी वैसे? कोई सजा नहीं मिलेगी। देश इतना आजाद हो गया क्या है? नहीं, क्योंकि मैंने श्रवण को माफ कर दिया इसलिए। माथ साहब मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो प्लीज श्रवण को माफ कर दीजिए। माथ साहब आप तो जानते हैं ना कि वो दिल का बुरा नहीं है। ओके, तुम अगर ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है। श्रवण, करिश्मा के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तुमने जो किया है ना उसका नतीजा कुछ भी हो सकता था। सॉरी सर, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने जो भी किया वो गलत किया। अच्छी बात है जो तुम्हें रियलाइज हुआ, वरना अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनके साथ ऐसा मजाक होता है वो उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेते हैं। सॉरी मैम एंड थैंक यू। ये दोनों तुम करिश्मा को बोलो। सॉरी करिश्मा एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स करिश्मा। करिश्मा, क्या बात है? ऐसे करिश्मा दिल तो तेरा भी बड़ा है यार, हैं? वैसे यहाँ ना सबसे बड़ा दिल गायत्री का है, बदलीपुर की हीरो। अच्छा वो कैसे? गायत्री ने अपने भाई का सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कौन करता है आजकल ऐसा? हाँ अगर हम इनकी जगह होते तो मैं पता नहीं मैं कर भी पाते या नहीं। है? अरे भाई तू क्या खड़ा है यार, आज अब आज आ जा। गायत्री आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए। इट्स ओके, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अरे यार फिल्म में तो ये भी निकली। हाँ अच्छा फ्रेंड्स 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 फ्रेंड। हेलो, मैं भी उस फ्रेंड्स की लाइन में। लग जा लग जा। ये सेल्फी। हाँ सेल्फी। आजा भाई
मैं भी सेल्फी लूंगा। हम लोग भी सेल्फी खींचते हैं। ओके कम। अच्छा ये ना बच्चा, मैं तुम्हें टैग करती हूँ, ठीक है? गायत्री, गायत्री, ये देखो मेरे पास क्या है। क्या? ये मॉडल हंट का रिजल्ट है। वो पता है क्या हुआ? तुम विनर हो इसमें। What? पता है क्यों? क्यों? ये देखो, ये। क्योंकि मैं हूँ कॉन्फिडेंट, फील करती हूँ सबसे ब्यूटीफुल, और मेरा इंटेलिजेंस ही है मेरा चार्म। आई एम द बेस्ट। तुम हो चेहरा आज की लड़की का, ट्रूली गॉर्जियस। Congrats. Thanks, Karishma. और आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह। ये। अच्छा सुनो सुनो, आधा फुल के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया, वो भी आधा नहीं फुल। मुझे पता है। Don't say thanks to me. I deserve it. ये सजाद है। अदरा, हम तुझे थैंक्स बोल देते, लेकिन क्या है ना, आज मूड सा नहीं हो रहा। Let. पीटी जी, ओह वो जरूरी फोन आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। सच में पागल हैं सब, आजकल के जमाने में कौन इतना करता है एक दूसरे के लिए। अब समझदारी से कहाँ चलती है दुनिया। अरे पर मैंने आपसे पूछना भूल गई, आप हैं कहाँ से और बदलीपुर में कैसे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं चलो, बाय बाय। अरे मॉडल तो उसे बनना ही था, कमी क्या है मेरी पोती में। मैं तो पहले से जानती थी कि वो कुछ जरूर करेगी। अरे बचपन से उसे शौक था मॉडल बनने का। अरे भाई कलर में क्या रखा है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए, और उसमें भरपूर है आत्मविश्वास मेरी गुड़िया में। अरे ये देखो आ गई। अच्छा बेटा आ जा, यहाँ बैठ जा, बैठ जा मेरे पास बैठ गुड़िया। ये कितनी प्यारी है ना मेरी गुड़िया। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े जबरदस्त आदमी हैं आप, मजा आया आपसे मिलके। सर मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। तो भाई अब यही सब तामझाम है। जी सर। सर मैं अकाउंट्स के रजिस्टर चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये देखो पुराना रजिस्टर है और ये चालू रजिस्टर, देख लो तसल्ली कर लो फिर काम शुरू करो। जी सर। मैं हेलो। हाँ कमलेश। हाँ सुन, रात को किसी को खाने पिला रहा हूँ, जरा अच्छा सा कुछ बना लेना। हाँ हाँ ठीक है। और सुन किटी को बोलना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बैठे। हाँ हाँ लगता है अपनी एक टेंशन जल्दी दूर होने वाली है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये गोरेपन का फितूर सब पर सवार है। गायत्री की दादी की तरह सब गोरेपन के पीछे पड़े हुए हैं, और जो गोरा नहीं है उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम काली हो, तुमसे कौन शादी करेगा, उसको देखो वो कितनी गोरी है। ये कह के कर बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं, और फिर वो बच्चा अपने आप को दूसरों से कम आंकने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। वैसे गायत्री के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हाँ पहले पहले गायत्री थोड़ा चिढ़ जाती थी ताने देने वालों से, लेकिन बाद में उसे सोच लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसने अपना मनोबल मजबूत बनाया, अपने ऊपर विश्वास रखा, मजाक उड़ाने वालों पर ध्यान नहीं दिया, और फिर देखिए जीत किसकी हुई, गायत्री की। जो गायत्री के साथ हुआ अगर वो आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? जो गायत्री के साथ हुआ वो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आस पास में या फिर आपके स्कूल में हो तो मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करेंगे। इसके बारे में सोचिए, गोरा और सांवला सिर्फ रंग, और हर रंग सुंदर, इसी सोच के साथ आपको छोड़ जाते हैं,
फिलहाल चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आधा फुल में, जहां हर आधा कदम फुल हो जाएगा।